हरियाणा में भले ही सरकार कुछ कहती रहे कि हमने आवारा पशुओं के लिए ये योजनाएं बनाई हैं, लेकिन आवारा पशुओं का हरियाणा में किस प्रकार बुरा हाल है, किस प्रकार के बुरे हालात है, वो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन किसान की अगर हम बात करें, अन्नदाता की हम बात करें, भले ही ये आवारा पशु कितना ही नुकसान खेतों में करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़ा दिल है वो बड़ा दिल किसान का ही होता है। जी हाँ, अगर हम बात करें किसानों की तो किसान ही वो बड़ा दिल दिखाते हैं। ये देखिए, आने वाले रागीर है, यहाँ पे एक किसान जो अपने साधनों को यहाँ छोड़ के उस रुक गए हैं और अब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में इस आवारा पशु को निकाला जाए, आवारा सांड को निकाला जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद, जहाँ पर जो ये किसान है लगातार काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस आवारा पशु को, इस सांड को बाहर निकाले, अपनी जान की परवाह किए बगैर, खुद को चोट लगने की चिंता किए बगैर इस जानवर की, इस पशु की जान बचाने के लिए लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में गो भक्तों की अगर हम बात करें तो ये आम लोग हैं, ये किसान होते हैं जो वास्तव में पशुओं की देखभाल करते हैं या उनकी सेवा करते हैं। भले ही कोई कुछ कहता रहे कि हम आवारा पशुओं को बचाने की कोशिश करते हैं, भले ही तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो गोभक्त होने के दिखावे करती हो, दावे करती हो, लेकिन वास्तव में गोभक्त कौन है ये पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। वास्तव में अब किस प्रकार से पूरे देश में आवारा पशुओं के हालात बने हुए, पिछले लंबे समय से ये लगातार ये लोग जो हैं, ये किसान जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में इसकी जान को बचाया जाए। ये देखिए, अपने खेतों से हरा चारा लेके आए थे, लेकिन जैसे ही किसानों की नज़र इस आवारा पशु पर पड़ी तो पिछले लंबे समय से ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में इनकी जान को बचाया जा सके। आवारा पशुओं की जान बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम तमाम जो किसान हैं यहाँ पे उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। राजनेता लोग कहते हैं कि गो भक्त हम हैं, वास्तव में गो भक्त कौन है भाई? आपने तो बेरा ने कौन जमींदार हम आई यार पशु ने बचाना चाह वहाँ है और के करावे, इन्हें तो दया है, गाल पड़न लाग रहे है, लाग रहे सारा काम करने, पशु का गला लाग रहे, बहुत दिहाड़े भर लाग रहे है। कई बार होगी भाई, घंटा हो गया, एक पौना घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया और लाग रहे, हमें सारी चीज दे दी, जोड़ा भी दे दिया भाई, मुसल भी दे दिया, लाकड़ भी, सारी चीज दे दिया, सारा था जो और चाहिए तो दे दिया भाई। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम गौ भक्त है। कौन है गौ भक्त होंगे तो मेरी एक जगह ने डॉक्टर है, ये बेरान हो लाग रहे, ये बेरान हो लाग रहे बीजेपी का कोई नहीं आई लग, सारा कांग्रेस के खड़े हड़, सारा कांग्रेस के लोग है। हाँ, कमाल की बात है, पार्टी के लोग है और आम आदमी है, आम आदमी यहाँ पे। हाँ, देखिए तमाम जो लोग हैं वो दावे करते हैं कि आखे देखे जी, वो आगे आया जी, अरे आप बड़ा थे, ये पड़ गया, हाँ ये पढ़ना माँ, दोनों कागज, हाँ दो गोले थे। देखिए दो जो आवारा पशु हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ भिड़ंत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी भिड़ंत के दौरान इसको टक्कर लगी तो ये हालात बने हैं। एक युवा साथी और हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार के हालात हैं? हालात अभी इसको निकाला जा रहा है, थोड़ी देर में अभी पूरी कोशिश करी जा रही है, इसको निकाल देंगे जी। देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपनी खुद की चिंता किए बगैर, अपने खुद को चोट लगने की चिंता किए बगैर लगातार लोग जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में इस आवारा पशु को निकाला जाए। लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आवारा पशु को निकालने की। हालांकि हमें भी पता है कि ये खबरें नहीं होती, लेकिन ये चीजें हम आपको धरातल से इसलिए दिखा रहे हैं कि जिन किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जिन किसानों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, कभी उनको खालिस्तानी, कभी उनको पाकिस्तानी, कभी किसी नाम से पुकारा जाता है, कभी दंगाई कहा जाता है, लेकिन वास्तव में जो आवारा पशु की बात करें, गौ भक्त की बात करें या सांडों की रक्षा करने की बात करें, खटरों की रक्षा करने की बात करें, तो वास्तव में ये किसान ही होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने खेतों में हर जाना या नुकसान होने की चिंता किए बगैर उनकी जान बचाने का काम करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद से।
आमतौर पे कोई भी व्यक्ति जब ऐसे आवारा पशुओं को देखता है तो वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखिए लगातार जोर लगाया जा रहा है, जोर आजमाइश की जा रही है इसकी जान बचाने के लिए, और लगता है आपकी बार ये प्रयत्न, लगता है आपकी बार इस प्रयास में कामयाबी जरूर मिलेगी। लगातार जो किसान है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जान किसी प्रकार से बाहर निकाली जाए, लेकिन जो नाला है ये गंदे पानी का नाला है निकासी का के लिए, ये काफ़ी भीड़ा है और ये जो आवारा पशु है इसकी इसका जो शरीर है वो भारी होने की वजह से ये निकालने में काफ़ी दिक्कतें इनको आ रही हैं। आगे हंगा खोल खुद नू लकड़ी लगा को मंगा लो को बड़ा रहा था करीन कारण कि मैं जो कि मैं मंगा लो भाई न्यू तो खोल लकड़ी हो है ऐसे तो कैसे निकलेगा ये न्यू को कर लकड़ेगा कोई आमदनी मानस नहीं मती नहीं है हम आम दिमी लाग रहे हैं ये क्या क्या करेंगे को बीजेपी का नहीं ये कांग्रेस कांग्रेस के लाग रहे भाई किसी ने चाहिए आना खून दान करना चाहिए और ये तो सरकारी सौदा है। हाँ इसका पूरा नीचे बीच में पेट तला मुसल दोगे नहीं तो लिकड़ेगा यो क्यों इसकी नाड़ मत इसकी नाड़ टूट जाते टूट जाएंगे और इसका दोगे नहीं नीचे मुसल मैं कहूँ संतोष से मुसल ठा लिया इसका पेट का तला मुसल देंगे नहीं उस तो जोर लगेगा इसमें तो टूट गया हूँ तो ये सताब भी होगा भारी नहीं ये कोशिश कर रहे हैं कितनी देर से कोशिश कर रहे हैं काफी काफी एक घंटे से ज्यादा का समय हो गया इनको निकालते हुए रेगा मेरा एक औरंगा रेगा से भीड़ की जगह से और ये आपकी बार लगता है प्रयत्न आपकी बार निकालने में शायद हो सकता है कि ये कामयाब हो जाए। देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं आगे और पीछे रस्से लगाए हुए हैं और रस्सों के बावजूद भी लगातार कोशिश की जा रही है लगातार जोर आजमाइश की और लगता है आपकी बार निकलेगा लेकिन देखिए चारों तरफ से जोर लगाया जा रहा है लेकिन आवारा जो पशु है वो फिर भी यहाँ पे निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहा। देखिए कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं आने वाले जितने भी रागीर हैं वो मुसल लिया मुसल अरे मुसल लिया मुसल मुसल बना कौन लिखड़ा यू ले लिया जल्दी लिया मुसल कहू का जाया फंस रहा है इसमें जी बिल्कुल और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। आमतौर पे कुछ नेता लोग आते हैं और कहते हैं कि गो भक्त हम है वास्तव में क्या है तो जमीनी हकीकत क्या है तो क्या देखिए लगातार ये क्या लगता है ये किसान इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ जान बचाने की कोशिश कर गौ का जाएगी हाँ गौ का जाएगी बताऊँ सताप से भाई भारी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं अरे भाई खड़े आई ऊपर इंसान ही जानते हैं इंसानियत को किसान जानते हैं और किसान ही बचा सकते हैं इंसान को कोई पार्टी और ये देखिए लगातार कोशिश की जा रही है और लगता है कि शायद अब की बार कामयाब हो पाएंगे। देखिए कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं जो पूरे इलाके के लोग हैं वो कामयाब हो पाएंगे और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसको बाहर निकाल लिया जाए और ये देखिए जान बचाने में लगभग कामयाब हो गए। हालांकि कुछ थोड़े बहुत खून जो है वो थोड़ी बहुत चोटें इस आवारा सांड को लगी है लेकिन लोग देखिए लोगों में आवारा पशुओं के प्रति गायों के प्रति कितना प्रेम है। जिन किसानों को कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है कभी उनको किसी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है लेकिन वास्तव में जो आवारा पशुओं के हितैषी जो गायों के हितैषी हैं जो जान बचाने वाले एक तरह से अन्नदाता हैं वही लोग जानते हैं कि आवारा पशुओं की क्या कीमत होती है जान की। और देखिए ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि और ये देखिए ये जो महिलाएं हैं वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हुई नजर आ रही है कि भगवान का शुक्र है कि किसी तरीके से इस आवारा पशु को निकाला गया। हालांकि लगता है इसके पाँव में काफ़ी चोट अभी लगी हुई है लेकिन लगातार जो लोग हैं आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी
तरीके से इसको बाहर निकाला जाए। थोड़ी सी और कसर यहाँ पे रहती है। आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के हिसार जिले के नारों से देख रहे हैं, आप भी कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं इसको निकालने में। हालांकि आमतौर पर कहा जाता है कि ये कोई खबर है, ये कोई दिखाने की न्यूज थोड़े ही है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो लोग इन किसानों को कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी किसी नाम से पुकारते हैं, आज ही नहीं बल्कि हर एक जगह पर कभी भी इस प्रकार की आवारा पशु के ऊपर कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है, तो वास्तव में यही अन्नदाता जो है वो उनके लिए भगवान का काम करते हैं, वही असली हितेशी होते हैं। और देखिए लगातार कोशिश की जा रही है, और हालांकि उस भीड़ी जो काफी जो छोटा जो नाला था उस नाले में से अभी निकाल दिया, थोड़ा सा हिस्सा अब यहाँ पे बसता है। लगातार कोशिश कर रहे हैं किसान, प्रयत्न कर रहे हैं कि अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाकर अब इसको निकाला जाए। जी हाँ, लगातार ये तस्वीरें देखिए, यही वो किसान है। और देखिए कमाल की बात यह है कि अभी जो किसान इसके अंदर लगे हुए हैं इनके ऊपर मुकदमे तक दर्ज है कि आप किसान नहीं है, लेकिन और आप तेरा बल्ला हो उठ लिया भाई परमात्मा, टूट फूट भी कोई नहीं, बहुत अच्छा गया। और लगातार ये तस्वीरें और काफी सारे किसान हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं की जुबानी हम आपको बताएंगे सुनाएंगे। जी आखिरकार आप लोग कामयाब हो गए निकालने में? हाँ जी कामयाब हो गया। जय जवान जय किसान नारा मारा जी। जय किसान जमींदार है जी, जमींदारा का यो खागड़ है जी। ये आवारा कह दे है, आवारा क्यों ये गली में खा के करे, इसका गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। लेकिन कुछ राजनेता आते हैं वो कहते हैं कि गो भक्त हम है, गो भक्त का है। यहाँ देखो आपने 3 घंटे हो गए कम से कम, सारा नाला पड़ जाए, ये नाला चौड़ा करवा दो, इसमें क्यों घुसा, अंडरग्राउंड करवा दो जी। क्या कहना चाहेंगे, कितना टाइम हो गया? 2-3 घंटे हो गए जी, जमा शांति भी नहीं लेकर कम हम दो। देखिए वास्तव में जिन किसानों को कभी आवारा बताया जाता है, कभी कभी किसी नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ये किसान देखिए अपने पशुओं के लिए चारा लेके आए थे, लेकिन जैसे ही इन्हें इनकी नजर पड़ी आवारा पशु के ऊपर एक नाले में फंसे हुए की, और इनके चेहरे आप अंदाजा लगा सकते, देखिए कितना पसीना जो है इन्होंने बहाया है इस आवारा पशु की जान बचाने के लिए। जी क्या कहना चाहेंगे, कैसा सुकून मिल रहा है आप लोगों को? विशेष तौर से किसानों को कहा जाता है कि आप तो आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, कभी किसी नामों से पुकारा जाता है जी। क्या है आतंकवादी तो है जी, सारे काम करने लाग रहे हैं तो आतंकवादी है, अब इनका कुछ भी फायदा हो जो और इनका नुकसान होने लग जाए तो हम आतंकवादी है इनकी नजर में। तो कैसा महसूस कर रहे? ठीक है जी, लिकट गया महसूस करना। हमने इसकी बहू कहता है कि जान बता दी, खगड़ की परेशान हो रहा था, जय हो किसाना की, इनका जिंदगी लावा भगवान गणी लंबी उम्र।